अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज हम वर्क करने जा रहे हैं 27 अब शालीमार एक्सप्रेस। ड्राइवर है मेरे साथ मोहम्मद तारिक खान साहब और तकरीबन 2 महीने बाद इनके साथ आज मेरी ड्यूटी लगेगी। तारिक भाई का अभी भी प्रॉपर नंबर नहीं आया लिंक के ऊपर। हमने सोचा था कि शायद तारिक साहब का नंबर प्रॉपर लिंक पे आ जाएगा, मगर अभी भी तारिक साहब जो है रिलीविंग में चलेंगे। रिलीविंग में फ़ायदा है। तारिक भाई कहते हैं कि रिलीविंग में फ़ायदा है। डेढ़ घंटा रोड़ी में लेट और नवाबशाह तक ये ट्रेन जो है ना वो 15 से 20 मिनट लेट थी। जब ये ट्रेन नवाबशाह पहुंची उसके बाद कोई आगे गुड्स ट्रेन का इंजन फेल हो गया, उसकी वजह से ये मज़ीद 1.25 घंटा और लेट हो गई। रोड़ी से जब भी ट्रेन चलती है ना तो ये बच्चे क्या करते हैं, इस पे पोल पे चढ़ जाएंगे इसके सिग्नल की, और ये जो दरवाजे पे लोग खड़े होते हैं ना उनसे मोबाइल छीनते हैं। अब ये इस मौके की तलाश में कि यहाँ से कोई पैसेंजर कोई दरवाजे पे खड़ा और वो वीडियो बना रहा हो तो उस पे ये उसके हाथ पे डंडा मारे और वो मोबाइल फिर गिरेगा और फिर ये उठा के भाग जाएंगे। घंटा हमें लगा रोड़ी से चल के गोटी पहुंचने में, और हमारे ये पॉइंट मैन है अब्दुल्ला और ये हेड ट्राली मैन सफर अहमद। सफर अहमद गोटी में चलें। हमारे ये गुड्स के ट्रेन ड्राइवर है, अभी नए नए प्रमोट हुए हैं और ये आज हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ जा रहे हैं मेरे साथ। ठहरो मैं आ जाओ ऊपर पिन लगाना भी चल चलो जी।
बची है और ये मेहंदी रजा भाई आए अभी मिलने हैं और इनसे फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई है। वैसे तो सोशल मीडिया के थ्रू तो आपको जानते हैं मगर मुलाकात आ जाती है। और आपका भाई नबील भाई आपकी चले सिग्नल डाउन हो गए और वैसे पीछे फ्रेश होने के लिए वो भी आ वेट कर रहे थे उस साइड पे, तो कह रहे चलो बाबा शालीमार आ रही है और रिजवान भाई शालीमार से ज़रूर आते हैं, मुझे रो के रखा है उन्होंने कि नहीं उनसे मिल के जा रहा है ये तो आज इनकी ईद हो गई है। ये रह गया क्या नाम है अयान, अयान अभी ट्रेन हमारी चलने वाली है, टाइम बहुत छोटा है, नाराज़ नहीं होना यार।
सिर्फ भाई कैसे आप ठीक हो? बड़े सूफी भी क्या बनाते आए, क्या ठीक है?